सो हाई गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। बट आज गाइज हम बात कर रहे हैं फिंचेस के बारे में। अभी मैं फिंचेस लेने गया था तो मुझे सिर्फ दो ही पेयर मिले जो मैंने अपने हैंडमेड केजेस में डाल दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले हैंडमेड केजेस में बजीज डाले हुए थे तो वो कहाँ चले गए। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली हुआ ये था कि नीचे वाले घर पर ना जगह नहीं थी, तो मैंने ये केजेस बड़े केजेस के ऊपर रखे हुए थे। वहाँ ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। फिर दूसरा ये है कि ये जो साइज़ है ना, ये फिंचेस के लिए तो सही है बट बजीज के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि शायद बजीज इसमें उतने खुश ना रहें। इसमें ब्रीड कर देते बजीज अगर बॉक्स बाहर से लगा होता है। अगर आप इसमें बॉक्स बाहर से लगाएंगे तो बजीज फिर भी चल जाएंगे आपके पास। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ यार, अगर आप अच्छी क्वालिटी की म्यूटेशन रख रहे हो, बजीज अच्छी क्वालिटी के रख रहे हो, बड़ी म्यूटेशन रख रहे हो, तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि यार आप इतना बड़ा केज दो भाई, जितना बड़ा मैंने कॉकटेल को दिया हुआ ना, ये देखो दो फुट इसकी लेंथ है। लेंथ कौन सी है? साइड लेंथ 2 फुट है, 2 बाय 3 फुट, 2 बाय 3 फुट, ये 3 फुट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रंट जो इसकी लेंथ है वो 3 फुट है, और हाइट जो है आई थिंक हाइट इसकी 1.5 फुट है, ठीक है। हाइट बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा हाइट की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है बर्ड को एक पेयर के लिए, जस्ट फॉर वन पेयर। अगर आप बजी भी रख रहे हैं तो आप इसमें रखें यार, अच्छी क्वालिटी का रख लें, महंगा बजरी रख लें, लेकिन पिंजरा आप ये लें। क्योंकि बर्ड मैंने आपको बताया था ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी फ़िज़िकल अपेयरेंस, उसके केज के साइज़ पे। जैसा केज का साइज़ होता है बर्ड उस तरह से बड़ा होता है। अब फिंचेस जो हैं वो देखें इसमें चल जाएंगी। मैंने फिंचेस इसमें डाल दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही हैं। इसमें फिंचेस के लिए साइज़ बहुत है। अगर आप इसमें ब्रीडिंग बॉक्स बाहर से लगाएंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। फिंचेस को बहुत बड़ी जगह चाहिए नहीं होती, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर 1x1 के पोर्शन में लोग ब्रीड करवाते हैं, जो पता नहीं 10-12 खानों वाला होता है। यार जुल्म है वो, मतलब हालांकि ये भी मुझे इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट वो तो यार बहुत जुल्म है। वो तो इसका भी आधा है यार, आधे का भी इतना कर लें आप, इतने पिंजरे हैं वो, तो उसमें तो यार कोशिश करें कि ना डालें, बहुत मतलब कि गुनाह वाली बात है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जो मैं फिंचेस लेकर आया हूँ ना, ये मैंने कहाँ से ली और किस तरह की है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। दिखाना कैमरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत फिंचे लेकर आया हूँ मैं, और इनको इस पिंजरे में निकालने का मकसद भी ये था कि इनकी ब्यूटी बहुत नज़र आएगी अच्छी। ये देखें आप, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं ये, और इनकी क्वालिटी, इनकी जो क्वालिटी है वो पता चल रही है कि हाँ यार बंदा मतलब रख रहा है तो बहुत खूबसूरत चीज़ रख रहा है। देख लें माशाल्लाह से, ये पूरा पेयर जो है वो ईसाबेल कहते हैं आई थिंक, ठीक है। ईसाबेल में और फैंसी फ्लोरिडा में लिटिल बिट ऑफ फ़र्क है। अब मुझे नहीं पता कि इसको लोग फैंसी फ्लोरिडा कहते हैं या ईसाबेल कहते हैं, बट जो भी है भाई आपके सामने है, इट्स अ म्यूटेशन फिंच, और म्यूटेशन फिंच है, बहुत खूबसूरत है। फीमेल आप देख रहे हैं सामने बैठी हुई है प्याली के ऊपर, और मेल इसका सामने, मेल भी इसका सामने बैठा हुआ है। तो भाई ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर, और ये इनका जो है वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, और ये ब्रीडिंग मोड में है। अब ये किसी भी वक्त ब्रीड करेंगे, इसलिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया, और अब मैं इनको ब्रीडिंग, जो भी इसका ब्रीडिंग बॉक्स है या कुछ और भी लगाता हूँ अगर, ये नीचे दूसरा पेयर है। अच्छा, ये पेयर उससे ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, ये पेयर उससे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसका कलर ना बहुत लाइट है यार, ना ये वाइट है ना ये फॉन है, ये अजीब सा कलर है, जिस तरह ओपल कलर होता है ना, ये ओपल कलर टाइप की फिंच है ये, और बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है ये। फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है इनकी माशाल्लाह से। सो अब मैं जो है वो इनकी ब्रीडिंग करवाने का जो है प्रॉपर तरीके से सोच रहा हूँ, और पहले मैंने ये यहाँ पर रखे हुए थे, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर रखे हुए थे। ये केज है मेरा, ठीक है, इसमें एक बॉक्स यहाँ पर लग सकता है, एक बॉक्स यहाँ पर लग सकता है, बीच में सेपरेटर आ जाता है, बट मैंने सेपरेटर निकाल दिया। मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूँगा, कॉकटेल का एक बॉक्स यहाँ लगाऊँगा, एक यहाँ लगाऊँगा, दो पेयर छोड़ के देखूँगा। तो इसमें पहले फिंचेस थी, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ये भी 2x3 का साइज़ है, अच्छा खासा बड़ा साइज़ है। ये देखो आप लोग, वहाँ तक है, यहाँ से शुरू और वहाँ तक है,
इसका आप साइज़ देख लो, छत देख लो, ये देख लो, ठीक हो गया जी। ये भी आप देख लें, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और वो वहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ये साइज़ है इसका, यहाँ पे फिंचें छोड़ी हुई थी मैंने, लेकिन फिर हुआ ये कि ज़ाहिर है फिंचों को इसमें क्या ब्रीड करवाएंगे, या तो फिंचों को खुला रख के ब्रीड करवाया जाता है। तो अब इसमें जो है ना, मैं इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है कॉकटेल का पेयर छोड़ने का, फिर कॉकटेल के दो पेयर इसमें छोड़ूंगा, दो पेयर इसमें छोड़ूंगा, दो पेयर इसमें छोड़ूंगा, और यहाँ पर कोशिश करूँगा कि सिंगल सिंगल छोड़ दूँ, वरना दो दो पेयर छोड़ के हम जस्ट प्रैक्टिकल कर लेंगे कि किस तरह से कॉकटेल क्या दो दो पेयर में ब्रीड कर सकता है। देखें, हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनके पास कॉकटेल ब्रीड कर रहा है कॉलोनी के अंदर। उसके बाद से मेरा दिल किया है ये एक्सपेरिमेंट करने का कि मैं भी इसको इस तरह से करूँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हेल्थ जा रही है मेरे कॉकटेल्स की। आप देख सकते हैं कितने अच्छे सेट हो गए हैं ये। खाली दो पीस मेरे एक्सपायर हो गए, क्योंकि जगह शिफ्ट की थी, मैंने देखा ही नहीं बेचारों। और आप लोग कहते हैं ना कि यार वो बाहर की भी वीडियो बनाएं, बाहर की भी वीडियो बनाएं, ये इनोज हैं माशाल्लाह, अभी अपनी ब्रीडिंग के लिए रोक ली है मैंने, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें से पेयरिंग बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो हम दे देंगे किसी भाई को, अगर चाहिए होंगे तो हम दे देंगे। बाकी ये आपके सामने कितने खूबसूरत पीसेज हैं यार, आप ज़रा ब्यूटी चेक करो इसकी, आप ब्यूटी चेक करें इसकी। इसमें दो मेल हैं, एक फीमेल है, ये देखेंगे, ठीक है। अब माशाल्लाह से मेरे पास दो फीमेल्स हैं रेडी टू ब्रीड, ये पड़ी हुई हैं, ये रखी हुई, बहुत ज़बरदस्त फीमेल्स हैं, ये मैं ख़ुद इस्तेमाल करूँगा इनको। ये मैं अपने जानने वाले से लेकर आया था, किसी बंदे से, बहुत नाइस बंदे हैं, पहले मैं सेल करने के लिए लेकर। सो गाइस, ये जो हैं वो मैंने अब अपने लिए रोक ली हैं, अपने दोस्त से लेकर आया था, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ऑन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर भी एक केज रखा है, ठीक है जी। इसमें क्यों रखा है ये, कि आप लोगों को पुराने टेरेस की कमी महसूस ना हो। हाँ, माइक ऑन है, आप लोगों को पूरे टेरेस में जो है ना, मेरे पुराने टेरेस की कमी महसूस ना हो। जैसे पहले आप लोग टेरेस की वीडियोस देखते थे ना, तो ये इस तरह की, अब ये नया पेयर है, ये पेयर जो है वो फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, ठीक है। और अभी इसको बॉक्स लगाना है, तो ये इसको आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं मेरे इस पेयर को ना, इसकी बॉन्डिंग नहीं बनी अभी तक भी। अब इसकी बॉन्डिंग इस तरह से बनेगी कि अब ये ब्रीड करेगा डायरेक्टली सीज़न के अंदर ही। फीमेल हैंड टेम थी, बट अब ये रही नहीं। अच्छा, यहाँ पर पता नहीं क्या बात है यार, परिंदे ना गंदे हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं परिंदे, तो तुम देख रहे हैं आप इसकी, ये देखें, पता नहीं क्यों हो रहा है यहाँ डस्ट, डस्ट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे मैं था, मेरे घर पे डस्ट नहीं है, यहाँ की हवा में डस्ट है, कोई ना कोई मसला है यहाँ पे, जिसकी वजह से परिंदों के ना डस्ट लग रही है, या फिर मैंने लकड़ी का काम करवाया है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छी खासी जो है ना डस्ट है, परिंदों के परों में लग जाती है, देखें आप, ये मसले मसाइल हैं। माशाल्लाह से कॉकटेल फिर भी अच्छा सर्वाइव तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, माशाल्लाह से क्वालिटी आप चेक कर लें। और ये मैंने जाली वाली लगवा के आपको बताया था ना, पैक करवा दिया, जावा यहाँ छोड़ी हुई थी खुली, लेकिन जावा का जेंडर नहीं पता चल रहा था, पूरा दिन ऊपर वहाँ बैठ रही थी, खेलती कूदती थी सुबह में और शाम में वहाँ बैठ जाती थी, अब ऊपर घूमती रहती थी तो नज़र ही नहीं आता था कि इनमें जेंडर क्या है, पेयरिंग लग रही है कि नहीं लग रही। तो फिर मैंने जो है ना जावा अंदर छोड़ दी, ये सोच के कि चलो यार अब अंदर है ना, अंदर मुझे पता चल गया जो बॉक्स में जा रही हैं उनका पता चल गया, जैसे वो सामने वाली हैं ये बॉक्स में जाती रहती हैं। माशाल्लाह से तीन पेयर हैं जो इसमें बॉक्स में जा रहे हैं, बाकी जो है ना मुझे जेंडर का कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है, तो उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फीमेल्स ले आएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये खुश हैं माशाल्लाह, बैठे रहते हैं ना, लड़ते हैं ना, कुछ है। अभी कल पता है क्या हुआ, कल भाई हमारा जो जैन भाई है ना, ये इन्होंने क्या किया कि गेट खोला ये वाला किसी काम से, और वो आते थे भूल गए, वो खुला रह गया। मैं वहाँ अंदर किचन में गया हूँ किसी काम से, मैं हैंड फीड बना रहा था, किचन में गया हूँ मैं तो देखा भाई फीमेल वो तीन चार पीसेस ना अंदर घूम रहे, तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। फिर हमने यहाँ का गेट खोला, ये वाला गेट खोला और फिर वहाँ हमने किचन में ना इनको थोड़ा सा हाथ वाथ दिया जावा को, तो क्या हुआ डर के मारे वो खुद ब खुद वहाँ से निकल के खुद ही अंदर आ गए। और मज़े की बात आपको बताऊँ, ख़तरनाक किस्म की, कि पंखा जो है ना चल रहा था उस दिन भी, रात को चल रहा था पंखा,
वो यहाँ से निकली और सीधा किचन में चली गई। अल्लाह का करम हो गया, वरना मैं रो देता भाई, मेरा रोना निकल जाता, यकीन करो। इतना नुकसान हो चुका है ना, पहले ही एक पीस उड़ गया था, तो अब नुकसान बर्दाश्त करने की जो है ना हिम्मत नहीं है यार। मैं कसम से, मैं बच्चों की तरह रो पड़ता हूँ, फट जाती मेरी बहुत। तो ये सीन है। अब माशाल्लाह से देखें, सारे सेट हैं, कॉकटेल भी किस तरह से खाना खाना खा रहे हैं, देखें आप सारे कैसे मस्त होकर खाते हैं सॉफ्ट फूड वगैरह। अब जाहिर है गर्मी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा पीसेज इनकी हीट होती है ना, तो अब इनकी पेयरिंग लगाऊंगा इस पिंजरे में सब में, ताकि ये अलग अलग हो जाए थोड़ा अच्छे से, थोड़ा हेल्थ वेल्थ अच्छी हो जाएंगी। सो आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। वीडियो को फ़ौरन लाइक कर लो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का सिलेक्शन जो है सिलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें आपको। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।